हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अगेन कैडी फाउंडेशंस। आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसमें जो अलग अलग एटम कहाँ पे अरेंज रहते हैं, कितने डिग्री पे रहते हैं, उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वी विल ट्राई टू टीचेज यू हाउ मच डिग्री इन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम या कार्बन एंड अनदर बॉन्ड। सो स्टार्ट्स, दिस इज द कार्बन एंड दिस इज द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किसे कहते हैं? ये बॉन्ड और ये बॉन्ड के बीच में जो एंगल आपको दिख रहा होगा, लगता है कि 90 डिग्री का है, राइट एंगल है ना, तो ये 90 डिग्री का है। इसे भी करोगे तो आप देखो 90 डिग्री का देखोगे इस तरीके से, ठीक है ना। एक्सिस की पहचान हम लोग इसी तरीके से करते हैं, थ्री डायमेंशनल है तो हर एक जो एक्सिस है वो 90 डिग्री पे अरेंज है। दिस इज द साइक्लोप्रोपेन, दिस इज द साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में तीन कार्बन है और ये बॉन्ड के द्वारा क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। सेकेंड केस इज एल्कीन का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो वो देखो उसमें इसका एग्जाम्पल मैं लिया हूं प्रोपीन का। किसका एग्जाम्पल लिया हूं? प्रोपीन का। प्रोपीन का फिगर यही है, आप लोग पेपर पे बनाते होंगे। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो डबल बॉन्ड है ना, जहां पे डबल बॉन्ड होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम जो अटैच होगा उसका जो बॉन्ड एंगल बनेगा ना, वो 120 डिग्री का बनेगा इन सबों का। जैसे ये कार्बन कैसा है, तो sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन में जो बॉन्ड एंगल बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट, यानी 109 डिग्री 28 मिनट। इसका भी सेम होगा sp a, ठीक है ना। ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होंगे तब उस ग्रुप में जो आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कीन। एल्कीन कैसा, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तीसरे नंबर पे है, उसका फिगर आपके सामने है। इसका नाम क्या है? प्रोपीन। इसको हम लोग बन प्रोपीन भी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? बन प्रोपीन। जब नंबरिंग करते हैं तो पहले इसे वन बोलेंगे, इसे टू, इसे थ्री। अगर आप नंबरिंग करने के टाइम पे दिस इज द 1 2 3, दैट इज द रॉन्ग प्रोसीजर। ओके स्टूडेंट्स, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका डबल बॉन्ड क्या रहेगा, नजदीक रहेगा। तो ये है 1 2 3, ये सही वाला वे है। इसी तरीके से आप नंबरिंग किया कीजिए, आपके बोर्ड के एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब रहा बेंजीन की बनाने के बारे में। अब बेंजीन कैसे बनेगा? बेंजीन में क्या होता है, तो 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है। सिंगल और डबल का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सिंगल और डबल का जो अरेंजमेंट होता है तो उसमें इस तरीके से होता है बाबू, ठीक है ना। सिंगल और डबल का जो अरेंजमेंट होता है उसमें इस तरीके से किया जाता है। मैं भी तुरंत अरेंज कर दे रहा हूं। इसको कर रहा हूं, एक जो पोटैटो का पीस है वो बाहर निकल गया, बाहर आ गया है, मैं उसे हटा रहा हूं। अब देखो क्या है कि यहां पे जो अरेंजमेंट होगा वहां उधर तुम आ सड़ो, साइड हटो, साइड चलो। यहां पे जो अरेंजमेंट है ना वो इस तरीके का है। पहले मैं इसे जोड़ देता हूं, फटाफट इसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपका MB भी तो खर्च उसमें होता है ना। आप जब वीडियो को देखते हो तो मेरी कोशिश रहती है कि आपका कम से कम MB क्या है, खर्च हो। तो मैं उस क्षेत्र पे भी काम कर रहा हूँ कि आपका MB ज़्यादा बर्बाद ना हो, क्योंकि MB बर्बाद होता है तो बच्चे क्या करते हैं, वो लेक्चर को पूरी तरीके से सुनते नहीं है। तो बच्चे जब सुनेंगे नहीं लेक्चर को, डोंट ओपन द पेपर, बच्चे क्या करते हैं वो सुनते नहीं है। तो जब बच्चे सुनेंगे नहीं तो प्रचार कैसे होगा अपने चैनल का। दिस इज द साइक्लोहेक्सेन, दिस इज द साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है बाबू? साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन। बट इसके बीच में मुझे डबल बॉन्ड को लगाना है, डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें होते हैं स्टूडेंट्स। मैं तुरंत इसे कर रहा हूं। ओके, अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड को मैं दिखा रहा हूं।
ना, ओके। अल्टरनेट डबल बॉन्ड आपका बन चुका है, किस केस में? एक बॉन्ड और बनना बाकी रह गया स्टूडेंट्स, इसको भी मैं बना ही देता हूं, क्योंकि आपका जब MB खर्च हो ही रहा है तो हो ही जाए। ओके, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बन के तैयार हो गया। देखो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड यहां पे बन के ऑलरेडी तैयार है स्टूडेंट्स। अभी टूट जा रहा है, कोई बात नहीं, आप इसे ट्राई करोगे ना तो आपके साथ सही बनेगा। वी विल डू इट अगेन एंड अगेन। दिस इज द इस तरीके से थोड़ा सा रहेगा, बॉन्ड एंगल का ख्याल हमें रखना है, ठीक है ना? हमें बॉन्ड एंगल का भी ख्याल रखना है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि आप जब ट्राई करोगे ना तो कुछ नहीं करना है, आपको पोटैटो का पीस ले लेना है, उसे चक्कू की मदद से काट देना है, और उसके बाद जो सीख होता है ना, नारियल वाला सीख, नारियल वाले सीख को पीस बाय पीस क्या करेंगे, तोड़ देंगे, और हम लोग क्या करेंगे उसको बना देंगे। आप जैसे मेरे हाथों पे देख रहे होंगे, मैं अपने हाथों पे रख करके ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना? इस तरीके से अब देखिए ये क्या है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर को बनाना है। दिस इज नॉट इन्वेंटेड बाई मी, मैंने भी अपने टीचरों से सीखा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिखाऊं। साइंस जो है वो करने का चीज है। वी विल ट्राई बेटर डे टू डे, व्हेन वी ट्राई टू बेटर फॉर यू, देन अपना कम्युनिकेशन, अपना कम्युनिटी सही होगा, और हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां पे हर कोई ये सोचेगा कि मैं भी इंडियन हूं और मैं बहुत अच्छा साइंस जानता हूं, और अपने कंट्री में भी आप एक नए साइंटिस्ट बन सकते हैं। जय हिंद।